हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। हम चैप्टर नंबर 9 की बात कर रहे थे और चैप्टर नंबर 9 में हमने इसके 10-12 पार्ट कर लिए हैं और उनमें हमने देखो बेसिक जो फॉर्मूले हैं उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। चैप्टर नंबर 9 से 3 क्वेश्चन आते हैं, 6 नंबर का चैप्टर है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा, एक 2 नंबर का आएगा, एक 3 नंबर का आएगा। तो 1 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो आइलेट के फॉर्मूले से आता है, वो हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे, ठीक है। और 2 और 3 नंबर के जो फॉर्मूले क्वेश्चंस हैं वो फॉर्मूलों से आते हैं, ज्यादा लंबे लेंथ क्वेश्चंस नहीं आते हैं इसमें। अब देखो, इसमें जितने भी फॉर्मूले थे लगभग सारे फॉर्मूले हमने पढ़ लिए हैं, जिसमें 1/(x²+a² का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। a²+x² से रिलेटेड कर लिए हैं, x²-a² से रिलेटेड कर लिए हैं, a²-x² से रिलेटेड कर लिए हैं, और ये रूट में आ जाए तब कैसे करते हैं वो भी कर लिया है। स्क्वायर मेथड का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, स्क्वायर मेथड से कैसे करते हैं, यानी कि एक्स का जो कोफिशियंट होता है उसका हाफ करते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं, और एक बार प्लस कर देते हैं, एक बार माइनस कर देते हैं, फिर x²+a² लगेगा, या तो या a²-x² बनेगा। उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। अब देखो, आज हम बात करेंगे जब हम स्क्वायर नहीं बना पाए, नीचे जो आपको स्टेप दी गई है डिनोमिनेटर में जो स्टेप दी गई है उसके अगर हम उसका स्क्वायर मेथड से उसको सोल्व नहीं कर सकते, उस कंडीशन में उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, उसके फैक्टर बनाना पॉसिबल नहीं है, उस कंडीशन में उस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखो, इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला है अलग से दिया गया, मैं बता देता हूं आपको। अगर आपके पास ऐसी स्टेप आ जाए px+q/√a²+ax²+bx+c या ax²+bx+c, उस कंडीशन में एक फॉर्मूला होता है न्यूमिरेटर इक्वल टू a(dy/dx) डिनोमिनेटर प्लस b, यानी कि जो न्यूमिरेटर है उसको हम चेंज करेंगे। कैसे चेंज कर सकते हैं, a(dy/dx) dy/dx डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, डिनोमिनेटर प्लस b यानी डिनोमिनेटर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे प्लस b आ जाएगा। a और b दोनों क्या है, कॉन्स्टेंट है। अब देखो, अंश बराबर a(dy/dx) हर प्लस बी, डिनोमिनेटर या हर क्या है, ax²+bx+c, और ये कांस्टेंट आ गए। इस स्टेप को हम सोल्व करेंगे, दोनों तरफ कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। वैल्यू निकालने के बाद हमारी ये देखो, ये स्टेप ऐसी बन जाएगी, px+q=a, इसका अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या बनेगा, देखो 2ax+b+b, c कांस्टेंट है इसका, 0 हो जाएगा। फिर दोनों तरफ कंपेयर करेंगे, ए कॉन्स्टेंट और बी कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू निकालने के बाद वैल्यू यहां पुट करेंगे और px+q की जगह ये स्टेप रख देंगे, दोनों इंटीग्रेशन को अलग अलग करेंगे और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये लास्ट फॉर्मूला है आपका, इसके बाद आईलेट से रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे। अब देखो, इसमें क्या है, इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूं और ये क्वेश्चन आपकी लास्ट ईयर एग्जाम में आया हुआ है, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 18 जून को जो आपका पेपर हुआ था अभी, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन बहुत इजी था। 2x+5/√x²+3x+1 dx, इसका हम फैक्टर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे, आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, नीचे जो स्टेप होती है ऊपर उसका डिफरेंशिएशन बना दिया करो, फिर दोनों को अलग अलग कर दिया करो, इंटीग्रेशन सोल्व हो जाएगा। माइंड में बिठा लो ये बात अच्छी तरीके से, नीचे कोई भी स्टेप अगर दी गई है तो उसका डिफरेंशिएशन ऊपर हम बना लेंगे, जो डिफरेंशिएशन है उसको अलग लिख लेंगे, बाकी जो स्टेप बनती है उसको अलग लिख लेंगे, इंटीग्रेशन आसानी से सोल्व हो जाएगा सब। वो जो ये फॉर्मूला है ये वही चीज बनाएगा, कैसे बनाएगा देखो, न्यूमिरेटर इसका क्या है, 2x+5, फॉर्मूले में वैल्यू रख रहे हैं, न्यूमिरेटर इक्वल टू a(dy/dx) डिनोमिनेटर प्लस बी, a(dy/dx) डिनोमिनेटर यानी हर क्या है इसका, x²+3x+1, ये स्टेप यहां पुट कर दो, प्लस बी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, देखो x स्क्वायर का 2x, 3x का 3 प्लस बी, इसका देखो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ax+3a+b। अब दोनों तरफ कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले x के कोफिशिएंट का कंपेयर करेंगे, तो यहां x का कोफिशिएंट क्या है, 2a, और इधर x का कोफिशिएंट क्या है, 2, तो 2a=2, a की वैल्यू क्या आ गई, 2। कांस्टेंट का कंपेयर करेंगे तो कांस्टेंट क्या है, ये स्टेप है, और इधर कांस्टेंट क्या है, ये स्टेप है, तो इसके इक्वल ये हो गया, a की वैल्यू क्या है, 1, यहां पुट कर दी, b की वैल्यू क्या आ गई, 2।
ए और बी की वैल्यू निकाल ली, ए और बी की वैल्यू कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे, तो क्या आएगा 2x + 5 = a, ए की वैल्यू 1 थी, प्लस बी, बी की वैल्यू ये है, ए की वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो हमारा इंटीग्रेशन ये था, तो न्यूमिरेटर जो है उसकी जगह हम चेंजमेंट क्या कर सकते हैं, 2x + 3 + 2 ये लिख सकते हैं, और यही हमने लिखा है। देखो 2x + 5 है, इसकी जगह ये स्टेप लिखी सीधा, आप देखो ये माइंड में बिठा लेना कि नीचे जो स्टेप होती है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद रहना चाहिए। x² + 3x + 1 का डिफरेंशिएशन आप करते हो अगर, तो इसका तो क्या होगा 2x, 3x का 3 और 1 का क्या हो जाएगा 0। 2x + 3 आपको बनाना है, बाकी स्टेप को अलग देना, ये तो क्या है 2x + 3 यहां है, 2 यहां है, बात तो यही है। अब जो डिफरेंशिएशन होता है उसको अलग लिख लेंगे, बाकी इंटीग्रेशन को अलग लिख लेंगे। लिख दिया ये इंटीग्रेशन 100%, इसको टी मानते ही ये डीटी बन जाएगा, नीचे वाली स्टेप को टी मानते ही ऊपर वाली अपने आप डीटी बनेगी, 100% बनेगी। और जो सेकंड इंटीग्रेशन बनेगा वो हमेशा किससे होगा, स्क्वायर मेथड से होगा, वो किससे होगा, स्क्वायर मेथड से होगा। अब देखो इसको आपने टी मान लिया तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2x + 3 dx = dt, इसको किससे कर लेंगे, स्क्वायर मेथड से कर लेंगे, तो dt/√t ये आएगा। टू कोस्टेंट है बाहर लिख दिया, 1/ स्क्वायर कैसे बनाते हैं, x का कोफिशियंट क्या 3, उसका हाफ का स्क्वायर 9/4, एक बार प्लस करते हैं एक बार माइनस करते हैं, एक बार प्लस करते हैं एक बार माइनस किया, तो प्लस किया तो ये इतनी स्टेप है, ये किसका स्क्वायर बन गई, x + 3/2 का होल स्क्वायर बन गई, 1 - 9/4, इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 5/4 आ गया। अब देखो माइनस का 5/4 जो है उसको भी हम रूट में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि √x² - a² का फॉर्मूला यहां लगाएंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √5/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिख सकते हैं ना सर। अब इतना काम कर लिया हमने, देखो सबसे पहले हमने क्या लिखा, न्यूमरेटर = a d/dx डिनोमिनेटर + b, a d/dx है + b, फिर हमने इसका अवकलन किया, डिफरेंशिएशन किया, फिर दोनों तरफ कंपेयर किया, ए और बी की वैल्यू आ गई, वो वैल्यू वापस पुट कर दी, न्यूमिरेटर या अंश की जगह ये स्टेप लिखी है, दोनों इंटीग्रेशन को अलग अलग किया है, अलग करने के बाद इसको टी माना है, इसको स्क्वायर मेथड से सोल्व कर रहे हैं। अब देखो क्या बनता है आगे, आगे क्या हो जाएगा, देखो इसका इंटीग्रेशन तो किससे करेंगे, x^n वाला फॉर्मूला लिखेगा, x^n वाला फॉर्मूला क्या होता है, x^n + 1/(n+1), यही तो होता है इसका फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो t^-1/(2+1), इसका तो यही होगा फॉर्मूला। इसमें देखो 2 तो बाहर है, 1/√x² - a² ऐसी टर्म बन रही है, देखो x² - a² फॉर्मूला क्या होता है, log x + √x² - a² + c, फॉर्मूले हम लिख चुके हैं और याद भी कर चुके हैं, ये फॉर्मूला यहां लगाएंगे क्या हो जाएगा, log x की जगह क्या है, x + 3/2 प्लस √x² - a² + c, ये तो स्टेप बनेगी, बनेगी। अब देखो ये स्टेप जो है इसको आप अगर सोल्व करते हो, इस स्टेप को, इस इतनी स्टेप को अगर आप सोल्व करते हो तो ये स्टेप यही तो बनेगी, इस स्टेप को सोल्व करके तो आपने ये स्टेप बनाई है फॉर्मूले की, तो इस स्टेप की जगह आप ये स्टेप पुट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो क्या हो गया, देखो 1 - 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2, ऊपर भी 1/2 नीचे भी 1/2, प्लस 2 log x + 3/2 प्लस, इसको हम सोल्व करके सीधा ऐसे लिख सकते हैं, यही स्टेप बनेगी, यही बनेगी, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x² + 3x + 1 + c, ठीक है। इतना क्वेश्चन, इतना ये स्टेप रखते हो तब भी आपका क्वेश्चन सही है, और ये स्टेप रखते हो तब भी आपका सही है, परंतु यहां देखो ये 2 है, ये कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 2 तो ऊपर चला गया साहब, 2 ऊपर चला गया, 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट लिख सकते हैं, परंतु लास्ट में टी हमने हमारी तरफ से माना था, तो टी की वैल्यू वापस पुट करनी है, टी की वैल्यू क्या है, x² + 3x + 1, ये तो प्लस 2 log x + 3/2 प्लस √x² + 3x + 1 + c,
ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये इतने ही है आपके, इस फॉर्मूले से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको ऐसे ही करना, और ये लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन था। 9.5 की जो एक्सरसाइज है उसमें इस फॉर्मूले से रिलेटेड तीन क्वेश्चन आपके 16, 17, 18 है लगभग क्वेश्चन, ये 16, 17, 18 तीन क्वेश्चन इस फॉर्मूले से रिलेटेड है, उन क्वेश्चन को आपको इस हिसाब से करना है। बाकी क्वेश्चन जो भी है सारे फॉर्मूले से रिलेटेड है जो हम कर चुके हैं। फॉर्मूले कौन कौन से लगेंगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन सकता है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन सकता है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन सकता है, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन सकता है, ठीक है। या फिर स्क्वायर मेथड से क्वेश्चन हो सकता है, स्क्वायर मेथड से कर सकते हो, एक्स का जो कोफिशियंट होता है उसका हाफ करना है और उसका स्क्वायर एक बार प्लस करना है एक बार माइनस करना है, तो स्क्वायर मेथड से क्वेश्चन कर दोगे आप। इसके अलावा क्वेश्चन कौन से हैं, इसके अलावा आईलेट का जो क्वेश्चन बनता है, आईलेट का क्वेश्चन मैं करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, एक नंबर का क्वेश्चन आईलेट से बनता है, छोटा क्वेश्चन बनता है आईलेट से, बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता है। तो आईलेट से रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और इससे रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन है आप आसानी से कर सकते हो। फॉर्मूले अच्छी तरीके से याद कर लो, फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि 9 का चैप्टर, 10 का चैप्टर, 11 का चैप्टर, भाई इंटीग्रेशन के फॉर्मूले तो आपको आने चाहिए अगर नंबर अच्छे बनाने हैं। फॉर्मूले ये और कुछ नहीं है, फॉर्मूले अच्छी तरीके से याद कर लोगे बहुत काम में आएंगे, 9 के चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा, 10 का क्लियर हो जाएगा, 11 के चैप्टर में भी काम में आएंगे, 12 में भी काम में आएंगे, है ना। तो ये तो आपको आने चाहिए, ठीक है, याद करो अच्छी तरीके से याद करो इनको, फॉर्मूले को। और ये लॉकडाउन का टाइम है, इस टाइम में 15-20 दिन का और टाइम आपको मिल रहा है, इस टाइम में अच्छी तरीके से इनको याद कर लो, कवर कर लो इनको, ठीक है ना। ओके धन्यवाद, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।